अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मैं शेख हसन बाजिर, मरहूम शेख सईद बाजिर का छोटा भाई। जलपल्ली के अंदर एरागुंडे की रोड जो है पिछले 3-4 साल से खराब है। मैडम भी वहां से जा रहे हैं, कार्तिक अन्ना इलेक्शनों में भी वहां से फिरे। मैं ये बोल रहा हूँ मरने की वजह जो है सो अली को बता रहे, रोड है मरने की वजह। पीछे के टायर में आदमी आया मोहम्मद जो है सो, क्या नाम है उनका? गुलाम शमसुद्दीन मोहम्मद नाम था। चुप नहाक के जान चले गए आदमी की। इनको छोटे बच्चे, ये छोटा बच्चा है, अगर आदमी रहा तो बराबर कमा के खिला सकता। अब इसको कौन खिलाएगा? मैडम को बोलवा, मैडम MLA है आप, और वहाँ की वीडियो सुना मई। एक साहब वीडियो में बोल रहे हैं कि उनकी भी नहीं सुन रही, चेयरमैन की भी नहीं सुन रही, MLA की भी नहीं सुन रही। जब तुम लोगों की नहीं सुन रही तो छोड़ दो, दूसरा कोई बैठता उन्हें आके सुनाता। 3.5 साल से एक रोड नहीं तला सके तुम लोग वहाँ पे। आज आदमी की जान चले गई, इससे पहले 2 जाना चले गए, क्या करे बोलो। और मोहता में आया जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त मैं नहीं था। जब मैं मोहता में आया तो तुम्हारा एक आदमी नहीं आया, एक लीडर या काउंसलर आके तो मिलना था इनसे। जेलपल्ली में नहीं रहते इनो, जेलपल्ली के अंदर तुम्हारे एरिया में रहने वाले एक लीडर काउंसलर का काम था इनके घर पे आके मिलना। यहाँ पे मैं नमाज जब पढ़ा, कब्रस्तान से अब भी आए हम लोग, नमाज जब पढ़ा कोई लीडर नहीं आया। कई को नहीं आया भाई, जेलपल्ली इलाका है ना, आना था। KLR जो है सो आके रोड पे जो है सो रंजीत रेड्डी को फोन करके बोला वोट के वास्ते, तो आप लोग क्या करे? उसके अंदर बोल रहे हैं वहाँ पे कॉस लगा लड़ ले रहे, उन्होंने लड़ ले रहे। वोट का काम होना मेन, और जो है सो इनके छोटे बच्चे हैं, एक ही मकसद है, इनके छोटे बच्चों के वास्ते जो है सो मैडम को बोल रहा हूँ, आप इनकी अपील करो गवर्नमेंट से सीधा। वोट की वजह से जान गई, इनको बोलो, बुलाओ इनसे, मिलो, तुम्हारे लीडर को भिजाओ यहाँ पे। रंजीत रेड्डी को मैं भी फोन करा, फोन नहीं उठाया ना, फोन उठाए तो बराबर बोलूंगा तुम्हारा आदमी आके इनसे मिलाना, हुकूमत से इनको दिलाओ जो इनके हक में वो दिलाओ। रोड की वजह से आदमी का इंतकाल हुआ, सामने का टायर जो है सो फिसल गया, आदमी गिर गया रोड की वजह से। अगर वोट डाल लेते तो आज आदमी जिंदा रहता था। इसीलिए बोल रहा हूँ जेलपल्ली के अंदर, अब वो जो मैडम है, कलेक्टर मैडम जो भी है, उनसे इंशाल्लाह मैं भी मिलूंगा। उन्होंने नहीं सुन रहे बल्कि सुना मैं वीडियो के अंदर, जब नहीं सुन रहे तो कई को है भाई तुम लोग, सुनाओ भी लेके आओ उनको यहाँ पे, नहीं ला सकते तुम लोग इतने बड़े ओहदों पे है ना। और याद रखो ओहदों का गलत फायदा कोटो। आज देख लो मैडम के पास क्या था, गाड़ियां चले गए पीछे से, कल के दिन तुम लोगों के पास से भी चल जाते। आज इनके घर में मौत आई, कल तुम लोगों के दिन होती। तुम लोग आने से क्या होगा, गाड़ी में फिरना अच्छा होगा, अगर इनके पास आए तो इज्जत जारीगा तुम। तुम्हारा काम था ना, बराबर आके इनसे मिलो। और इन्हों कुछ बोलते सुनो आप। हर रोज क्या है, इधर गिरते उधर गिरते, वही जगह पे गिरना शुरू हो गया। परसों भी, उससे पहले भी एक बार गिरे, घुटने पे माल लगा, फिर भी लाइट लगा बोल के। आज जान चले गए हमारे भाई की, इसलिए छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे भाई के। अब क्या करना चाहिए, आप लोग फैसला करीजिए। आप लोगों से, हुकूमत से दरख्वास्त है हमारी, बच्चों का हक दिलाइए आप। मासूम बच्चे देखी दिए आप, यहाँ एक है देखीजिए, बाजू के अभी ना क्या कमाएंगे, क्या वो पढ़ेंगे, क्या करेंगे, बोल लीजिए। खाने का गुजारा नहीं है, रहने का घर नहीं है, कैसा जिंगे आप लोग। आप लोग देखना चाहिए कैसा गिरे, कैसा एक्सीडेंट हुआ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।